अपन ने अपने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अपन एक काम करें क्या, अपन एक काम करें क्या, अपन एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं। हाँ क्या बोलते हो, बनाए चार्ट, जल्दी बोलो। ठीक है ओके। आपके पास आपकी किताब खुली हो जानी चाहिए, आपके पास आपकी किताब खुली होनी चाहिए। चार्ट बनाने के लिए आप मुझे बताते जाओगे कि चार्ट में क्या-क्या चीजें आएंगी, शुरू से आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो किताब खुली होनी चाहिए आपकी, उसमें आप मुझे बताते जाएंगे कि चार्ट में क्या-क्या है शुरू से। अपना अपना इस बहाने पूरा रिविजन होता जाएगा। मुझे बताओ सबसे पहले हमने इंड एस में क्या पढ़ा था, इंड एस 16 में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। टेक्निकली हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, पीपीई की डेफिनेशन क्या होती है। पहले अपन 2 मिनट बात कर लेते हैं, चार्ट बनाने से पहले एक पिक्चर तो क्रिएट हो जाए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक है, डेफिनेशन में हमने साथ साथ ये पढ़ लिया था कि बियरर प्लांट आएंगे कि नहीं आएंगे, बायोलॉजिकल असेट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, एनिमल्स और ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हमने ये पढ़ा था। आपको दिखेगा और डेफिनेशन से जस्ट ऊपर आपको दिखेगा कि इंड एस 16 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये भी हमने देखा था कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है, नॉन एप्लीकेबिलिटी कहाँ है क्या अपने पास। ठीक है, उसके बाद अपन ने और क्या देखा था, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखा था। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की अपन ने 2 कंडीशंस देखी थी। उसके बाद अपन ने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के बाद क्या देखा था, मेजरमेंट देखा था। मेजरमेंट का हमने क्या देखा था, मेजरमेंट क्राइटेरिया में क्या देखा था, कॉस्ट। इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट, और कॉस्ट में 3 एलिमेंट्स होते हैं, हमने ये देखा था। फिर हमने देखा था कि अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अक्वायर कर रहे हो फॉर अ क्रेडिट पीरियड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, तो कैश प्राइस इक्विवेलेंट पे पीपी को रिकॉर्ड करेंगे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश प्राइस इक्विवेलेंट। इसके अलावा हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ असेट्स, याद आ रहा है, एक्सचेंज ऑफ असेट्स देखा था। एक्सचेंज ऑफ असेट्स, एक्सचेंज ऑफ असेट्स में फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड और फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट रिसीव्ड, बस ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए वो सिमिलर असेट्स का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, ट्रांजेक्शन सिमिलर असेट्स का नहीं होना चाहिए, इट शुड हैव अ कमर्शियल सब्सटेंस, एक वर्ड था कमर्शियल सब्सटेंस, नहीं आ रहा याद। ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज के बाद अपन ने देखा था कंसोलिडेटेड प्राइस पे, अगर अपन बॉस एक से ज्यादा पीपी परचेज करते हैं कंसोलिडेटेड प्राइस पे, तो हम फेयर वैल्यू के प्रोपोर्शन में उसको प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि पीपी फाइनेंस लीज के केस में कैसे रिकॉर्ड होगी। उसके बाद हमने देखा था ग्रांट के केस में रिकॉर्ड कैसे होगी। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद, नहीं, उसके बाद अपन ने देखा था, एक सेकेंड, उसके बाद अपन ने देखा था सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर अपन पीपी पे करेंगे तो, वो आपके डेफिनेशन के जस्ट बाद वाले आइटम है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर अपन अपनी पीपीई के ऊपर करते हैं तो उसमें 3 बातें थी, एक तो कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसेज, दूसरा रिप्लेसमेंट, और तीसरा मेजर इंस्पेक्शन। कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसेज हमेशा पीएनएल में जाता है, मेजर इंस्पेक्शन और रिप्लेसमेंट, ये अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। ये याद है आपको, ध्यान था, इसके ऊपर हमने वही क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 29 ब्रेकडाउन वाला। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने किया था मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट, मतलब मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन। बैलेंस शीट डेट पर कैसे मेजरमेंट करेंगे, बोलो बोलो, मेजरमेंट डेट पर कैसे कैसे करेंगे। कॉस्ट मॉडल कंपनी के पास चॉइस है, या तो वो कॉस्ट मॉडल अप्लाई करेगी या तो फिर रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेगी। क्या अप्लाई करेगी, रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेगी। अगर आप कॉस्ट मॉडल अप्लाई करोगे तो ओरिजिनल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, रीवैल्यूएशन के केस में फेयर वैल्यू। फिर अपन ने देखा था कि रिवॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन 2 तरीके से कर सकते हैं, ग्रॉस मेथड से और नेट मेथड से। ग्रॉस मेथड से कैसे, आप परसेंटेज ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लो, कितने परसेंट से आपका रिवॉल्यूशन हो रहा है उतने परसेंट से आप अपनी असेट की ओरिजिनल कॉस्ट को बढ़ा दो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उतने से बढ़ा दो।
नहीं आ रहा याद, याद आ रहा है। उसके बाद अपन ने देखा था कि नेट मेथड से कैसे होगा, नेट मेथड से आपका जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो असेट से पहले लेस करके नेट असेट निकाल लो और उसके ऊपर आप रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट डाल दो। फिर अपन ने देखा था कि रिवैल्यूएशन अगर अपवर्ड होगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, डाउनवर्ड होगा तो पीएनएल में जाएगा। बट इसमें एक्सेप्शन क्या थे कि अभी अपवर्ड हो रहा है पर पहले डाउनवर्ड हुआ था, अभी अपवर्ड हो रहा है पहले डाउनवर्ड हुआ था, जो जो अभी अपवर्ड हो रहा है आपका गेन, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस आप पीएनएल में डालोगे, बाकी का आप गेन रिवॉल्यूशन सरप्लस में डालोगे। दूसरा, अभी डाउनवर्ड हो रहा है तो पीएनएल में जाना चाहिए, पर अभी डाउनवर्ड हो रहा है और पहले वो अपवर्ड हुआ था, तो जितना भी आपके पास रिवॉल्यूशन गेन पड़ा हुआ है आप उतने तक का उसको राइट ऑफ करोगे। हमने यही देखा था। अच्छा, उसके बाद अपन ने रिवॉल्यूशन में और क्या देखा था, रिवॉल्यूशन सरप्लस के चक्कर, अच्छा एक सेकंड, रिवॉल्यूशन अगर अपवर्ड हो रहा है तो अपना डेप्रिसिएशन भी रिवाइज हो जाता है, और जितना भी एक्सेस डेप्रिसिएशन आता है वो एक्सेस डेप्रिसिएशन अपन अपने रिवॉल्यूशन सरप्लस से हटा के जनरल रिजर्व में डालते हैं, और टोटल डेप्रिसिएशन तो अपने को अपने पीएनएल में चार्ज करना ही पड़ता है। याद आ रहा है कि नहीं, रिवॉल्यूशन सरप्लस कभी भी पीएनएल की शक्ल नहीं देखेगा, मैंने ऐसा बोला था, रिवॉल्यूशन सरप्लस कभी भी पीएनएल की शक्ल नहीं देखेगा, रिवॉल्यूशन सरप्लस हमेशा कहां जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा। उसके लिए हमने एक अलग से बायपास बना दिया, हमने उसको बोला कि पीएनएल के रूट से मत जा, तू अलग से बायपास जा, डायरेक्टली तू उसको जनरल रिजर्व के पास चले जा। याद आ रहा है कि नहीं, वो दो तरीके से जनरल रिजर्व के पास डायरेक्ट जाएगा, पहला डेप्रिसिएशन के थोड़ा थोड़ा करके फॉर्म में, या दूसरा जब आपने अपनी असेट को फाइनली डी रिकॉग्नाइज कर लिया या फिर डिस्पोज ऑफ कर लिया, तो ऐसे केस में आपका जितना भी रिवॉल्यूशन सरप्लस होगा वो आपके रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? फिर अपन ने देखा था कि असेट को किस समय पर आप असेट को अच्छा अपन ने फिर डेप्रिसिएशन का देखा था, कंपोनेंट अकाउंटिंग देखा था कि नहीं देखा था, डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट अकाउंटिंग। उसके बाद चेंज इन अकाउंटिंग, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड विल रिजल्ट इन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, मेथड चेंज करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होगा, अपन ने यह देखा था। फिर अपन ने और क्या देखा था, फिर अपन ने देखा था कि आप अपनी असेट को डेप्रिशिएट करते रहोगे आप अपनी असेट का डेप्रिशिएशन सीज कब करोगे, विच एवर इज अर्लियर, सीज कब करोगे, पहला केस जब आपका रेसिडुअल वैल्यू तक पहुंच जाए आपकी कैरिंग अमाउंट, या रेसिडुअल वैल्यू हायर हो जाए। दूसरा केस यह था कि विच एवर इज हायर क्या, असेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, मुझे सुनो, असेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड इज हेल्ड फॉर डिस्पोजल, और द asset इज एक्चुअली derecognized, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा हम उसको बोलते थे कि जहां पर आपका depreciation सीज हो जाएगा। असेट को derecognize कब करोगे, असेट को derecognize कब करेंगे बोलो, अच्छा एक मिनट, असेट अगर held for use में चली गई तो वो कौन से स्टैंडर्ड में चली जाएगी, 105 में, 105 में जैसे ही चली जाएगी तो 105 क्या बोलता है, 105 बोलता है कि आप अपनी असेट को विच एवर इज लोअर पे दिखाओगे, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज, विच एवर इज लेस पे दिखाओगे, और जो भी लॉस आएगा आप उसको पीएनएल में ले जाओगे। असेट को डीरिकग्नाइज कब करोगे, डीरिकग्नाइज करोगे जब आपकी असेट एक्टिव यूज में नहीं आ रही और आपकी असेट रिटायर हो चुकी है, आपकी अपनी असेट का डिस्पोजल कर रहे हो, आप अपनी असेट को यूज नहीं कर रहे हो और आपकी हेल्ड फॉर डिस्पोजल भी नहीं है, बोलो बेटा। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, कल का केस देखा था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कल का केस क्या देखा था, चेंज इन डीकमिशनिंग लाइबिलिटीज, रिस्टोरेशन लाइबिलिटीज एंड अदर लाइबिलिटीज। उसमें क्या था मुझे बताओ, अगर हम अपनी लाइबिलिटी के, अगर हमारी लाइबिलिटी में चेंजेस होते हैं तो चेंजेस किसके कारण हो सकते हैं, ड्यू टू चेंज इन आउटफ्लोस, एक्सपेक्टेड आउटफ्लोस, एक्सपेक्टेड पीरियड एंड डिस्काउंट रेट। उसके कारण में हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे डेट ऑफ चेंज के ऊपर हम अपनी लाइबिलिटी को रिवाइज करेंगे, हम अपनी लाइबिलिटी को रिवाइज करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो लॉस, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो गेन। अब रूल क्या थे, याद है चार्ट, याद है रूल क्या था, अगर गेन हो रहा है तो जनरल रूल रिवॉल्यूशन सरप्लस में जाएगा, एक्सेप्शनल रूल आपने अपनी असेट को पिछली बार डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन किया था और अपने पीएनएल में डाला था, तो इस बार का गेन आपका पीएनएल में जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस, यही था। अच्छा उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी लॉस होगा, लॉस में जनरल रूल क्या है, पीएनएल में जाएगा। बट एक्सेप्शनल रूल क्या है, अगर आपके पास रिवॉल्यूशन सरप्लस रखा हुआ है तो आप उस लॉस को रिवॉल्यूशन सरप्लस से एडजस्ट करोगे, मैंने यही बोला था। अच्छा इसमें दो तीन छोटी छोटी बातें थी कि आपका गेन जो है, मतलब डिक्रीज इन लाइबिलिटी किसी भी तरीके से ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर वो उसके ऊपर चला गया तो बाकी का रेवेन्यू डिफरेंस आपका पीएनएल में जाएगा। ऐसा केस अपन ने रिवॉल्यूशन मॉडल में भी देखा था कि अगर मान लो असेट रिवॉल्यूशन मॉडल में नहीं होती, कॉस्ट मॉडल में होती, तो आज उसकी कितनी कैरिंग अमाउंट होती, अगर डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी
मतलब गेन हो रहा है, तो क्या उसके ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट के से ज्यादा जा रहा है क्या, तो एक्सेस अपन को पीएनएल में दे जाना पड़ेगा। और एक अपन ने सबसे लास्ट केस देखा था कि अगर मान लो असेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाए और उसके बाद चेंजेस इन लाइबिलिटी हो रहा है, मैंने बोला था एग्जाम्पल देता 20 साल और 25 साल, 20 साल के अंदर असेट खत्म बट लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा 25 साल के बाद, तो अगर यूजफुल लाइफ एंड होने के बाद हमारा कोई चेंज इन लाइबिलिटी हो रहा है तो वो पूरा का पूरा पीएनएल में इफेक्ट होगा, चाहे वो कॉस्ट मॉडल हो चाहे वो रिवेल्यूशन मॉडल हो। मुझे लगता है अपन ने ये सब चीजें समझ ली थी, याद आ रहा है कि नहीं, बनाए चार्ट बनाए, चलिए आइए। स्टार्ट करें, आपको पता है चार्ट बनाने के लिए स्टार्टिंग ही टफ होती है, उसके बाद तो अपने को एक अपने आप बनता जाता है पूरा चार्ट। चलिए हम अपने पूरे इंडेक्स को इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कुछ हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं। कुछ हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं। पहला हिस्सा है व्हाट इज पीपीई, व्हाट इज पीपीई, दूसरा हिस्सा है रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, तीसरा हिस्सा है इनिशियल रिकॉग्निशन। हाँ क्या रिकॉग्निशन ऑफ पीसी, या फिर एक काम करो, चलो ठीक है इनिशियल रिकॉग्निशन में कंडीशन और अपन रिकॉग्निशन डाल देंगे, दूसरा आएगा सबसीक्वेंट, एक्सपेंडिचर उसके बाद आएगा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बाद क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, उसके बाद क्या आएगा, मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट, उसके बाद क्या आएगा, बैलेंस शीट डेट पे मेजरमेंट भी कर लिया, फिर लास्ट होगा चेंजेस इन डीकमिशनिंग लायबिलिटी। चेंजेस इन डीकमिशनिंग लायबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले पीपीई, सबसे पहले पीपीई की डेफिनेशन क्या आएगा, पीपीई की डेफिनेशन में याद है टेंजिबल आइटम होना चाहिए और हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए। हेल्ड फॉर यूज किसमें, किसमें, प्रोडक्शन सप्लाई रेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, बोलो यही है। और दूसरा मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ, जल्दी बोलो, बताओ पीपीई में क्या क्या नहीं आएगा। बियर प्लांट इज
पीपीई, बियर प्लांट इज पीपीई, बायोलॉजिकल असेट इज अंडर, या बायोलॉजिकल असेट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर नॉट पीपीई, ये पीपीई नहीं होगा, ठीक है। पीपीई के स्कोप से क्या क्या बाहर है, पीपीई के स्कोप से क्या क्या बाहर है, देखो अपनी किताब सबसे पहला पेज, पीपीई के स्कोप से क्या क्या बाहर है। बोल सकते हैं अपन आउट ऑफ स्कोप ऑफ पीपीई, क्या क्या बाहर है, लीजेस और बायोलॉजिकल असेट्स और हेल्ड फॉर सेल पीपीई, और एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्युएशन असेट। बस ये अपना बाहर है, यहां तक चल रख हो गया। अब रिकॉग्निशन, मुझे बताओ रिकॉग्निशन की कंडीशंस क्या है, रिकॉग्निशन की कंडीशंस क्या है, दो कंडीशंस कौन कौन सी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल टू फ्लो, प्रोबेबल टू फ्लो, और दूसरा क्या है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड कॉस्ट रिलायबली, रिलायबल रिलायबली मेजर्ड, ठीक है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अच्छा अब इसका आप इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करोगे, बोलो कॉस्ट पे इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करोगे, कॉस्ट पे। अब मुझे बताओ कॉस्ट में कितने एलिमेंट हैं, बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कॉस्ट में, तीन कॉस्ट के तीन एलिमेंट बोलो। हाँ परचेस कॉस्ट, क्या हो गया इसको, क्या हो गया, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा ये मल्टी टैलेंटेड है ना, ये मल्टी टैलेंटेड है, ये सो भी लेती है साथ में, इसके पता है इसका, इसकी अच्छी बात ये है, ये साथ में सो भी लेगी, पढ़ भी लेगी, खा भी लेगी, पी भी लेगी, चल भी लेगी, बातें भी कर लेगी, एक साथ सब कर लेती है ये, इससे सीखना तुम लोग, स्पेशली तू तू एक ही चीज ही करता है बस, बस सोता रहता है एक ही टाइम पे बस, तो इससे सीख। हाँ मैं पता है बेटा, और मुझे लग रही थी भूख इसको तो खाते हुए देखकर, तो मैंने नीचे कर दिया अपना, छोड़ो। चलो मुझे बताओ कॉस्ट में क्या क्या आएगा, वन सेकेंड, एक आएगा परचेस कॉस्ट प्लस
नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, चलो दूसरा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट डैक, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट डैक, उसके बाद डी कमीशनिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू, डी कमीशनिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू। अरे बोलो हाँ, यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये कॉस्ट में आ गया, हाँ जी। उसके बाद कॉस्ट में कुछ और बातें भी थी, कॉस्ट में अगर आप मुझसे पूछो कि कॉस्ट में डिफरेंट कॉस्ट के तरीके कौन कौन से होंगे, कॉस्ट के डिफरेंट तरीके कौन कौन से होंगे, तो एक था एक्सचेंज और दूसरा था बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट। अरे बोलो यार क्या? हाँ, बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। तीसरा याद दिलाना पड़ रहा है सबको, तीसरा कंसोलिडेटेड प्राइस पे लोगे तो क्या होगा, उसके बाद फाइनेंस लीज पे लोगे तो क्या होगा, और क्या था? गवर्नमेंट ग्रांट। तो बताओ जल्दी, एक्सचेंज के केस में क्या करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ रिसीव्ड और फेयर वैल्यू ऑफ गिवन और कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन, जल्दी बोलो। ग्रांट के केस में क्या करोगे? इंडेस 20 क्या बोलता है? नॉमिनल वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू, ठीक है। बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिटर्स में क्या होगा? कैश। बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स कैश, कैश प्राइस इक्विवेलेंट, कैश प्राइस इक्विवेलेंट। ये कैश प्राइस इक्विवेलेंट कैसे आएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लो। ऐसे केस में इंटरेस्ट का क्या करोगे? फाइनेंस कॉस्ट कहां जाएगा? पीएनएल में। वो हाँ वो ठीक है, मतलब हमें मेन मुद्दे पे ध्यान देना है ना, ठीक है ना। कंसोलिडेट प्राइस के केस में क्या होगा? सिंगल अमाउंट होगा, पूरे सिंगल अमाउंट को फेयर वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल पीपीज की प्रपोर्शन में बांटना है। इंटायर प्राइस शैल बी अपोर्शनड इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यूज ऑफ ईच पीपीई, ईच पीपीई। अरे समझ में आई बात की नहीं? बोलो। और फाइनेंस लीज, जल्दी बोलो। फाइनेंस लीज
फाइनेंस लीज, सिंपल सा लिख दो, इंड एस 116, फॉलो इंड एस 116, इंड एस 17 खत्म होके इंड एस 116 आ गया। इसमें भी डाउट है क्या कि सर ऐसा क्यों? चलो यहां तक हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, लिखना है क्या? तुम लोग बहुत ढीले हो, लिखते ही नहीं हो। हाँ? हाँ जी, अब सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर, सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपी, क्या क्या चीजें थी? सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपीई क्या क्या था? डे टू डे सर्विस कॉस्ट कहाँ जाएगा? डे टू डे सर्विस कॉस्ट पेंडल, उसके बाद रिप्लेसमेंट, मैं रिप्लेसमेंट एंड मेजर इंस्पेक्शन को साथ में लिख दूं, रिप्लेसमेंट एंड मेजर इंस्पेक्शन, रिप्लेसमेंट एंड मेजर इंस्पेक्शन का क्या होगा? कैपिटलाइज इफ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट्स, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट्स। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट्स, ठीक है? जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर? ओके। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में हमें क्या करना है? ऑन कंपोनेंट वाइज, कंपोनेंट वाइज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ कंपोनेंट, बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ कॉम्पोनेंट डेप्रिसिएशन में, ठीक है? बोलो दूसरी बात, ये तो थी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एट ईच बैलेंस शीट डेट डेप्रिसिएशन मेथड को क्या करना पड़ेगा? रिव्यू, क्या करना पड़ेगा? रिव्यू करना पड़ेगा। एट ईच बैलेंस शीट डेट डेप्रिसिएशन मेथड को क्या करना पड़ेगा? रिव्यू करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अरे यार, ये चार्ट आज मुझे एक और अच्छी चीज याद आ गई। इस चार्ट को मैं आज डालूंगा यूट्यूब पे, करूंगा अपनी मार्केटिंग। मुझे ऐसा लगता है ये चार्ट जाना चाहिए आज यूट्यूब पे, क्या बोलते हो? हर चार्ट नहीं जाएगा, सब कुछ नहीं दूंगा ऐसे ही। चलो आगे। एट, हाँ कोई बात नहीं ना, मैं नहीं आ रहा मतलब। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा पूरा नहीं। अरे पूरा नहीं रहे हैं? अभी नहीं दिख रहा क्या? मैं ये, अच्छा ऐसा, रुक जाओ अभी मैं दिखूंगा। अब
अच्छा नहीं दिखा गया मैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बैकअप है मेरे पास, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं एडिटिंग में कर दूंगा उसको, कोई नहीं। पर ऐसा अभी दिख क्यों नहीं रहा यार, ये क्या हो गया? रुक जाओ, हो ही नहीं रहा है। हाँ वन सेकेंड, नहीं तुम पे विश्वास सही में नहीं है, पता मुझे लगा मजाक कर रहे हो यार तुम लोग। नहीं 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 मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, पता नहीं मेरी बैंड बजा रहे हो। अरे यार तुम इतनी देर से मेरे को बोल नहीं सकते हो, तुम मेरी इतनी देर से मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो, ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। रुक जाओ, नहीं नहीं आई वॉजन, मैं समझ गया, पर गलत बात है, तुम लोगों को पहले बताना चाहिए यार। हाय मैं बैठा था सर की क्लास में, बता दूं कि हाँ वो सर ने सही में करवाया है। चलो एनीवेज कोई नहीं, जब तक आप लिखो साथ साथ चार्ट, ये वाला हो गया, रिव्यू करेंगे। हाँ अच्छा, रिव्यू करने पर क्या होगा? रिव्यू करने पर तीसरा पॉइंट आएगा, अगर रिव्यू करने पर कोई भी चेंज हुआ, इफ एनी चेंज arise, then it is change in accounting estimate, और कहां जाएगा? prospective effect, prospective effect। डिप्रिसिएशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बच गया, वो तुम बताओ, मैं आपको बता रहा हूं हेडिंग, डिप्रिसिएशन सीज कब होगा? पॉइंट नंबर फोर, डिप्रिसिएशन सीज कब होगा? सेसेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। हां बोलो, क्या बोल रहे थे? दो कंडीशंस हैं। नहीं बेटा, पहला रेसिडुअल वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, मोर देन और इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। दूसरा अर्लियर ऑफ, इस इन दो में से कोई भी एक इवेंट पहले हो जाए, कौन से दो इवेंट? रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज और दूसरा रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर सेल, ये पहले हो जाए या फिर डी रिकॉग्नाइज हो जाए।
सब एडिट हो जाता है, मस्त। अभी मैं काला दिख रहा हूँ, सब गोरा हो जाएगा। अपनी वी स्मार्ट की एडिटिंग टीम बहुत शानदार है। तू बता, तेरे को कुछ अगर काम करवाना हो तो बता। मस्त, तेरे को कपड़े अगर चेंज करवाने, मेरे कपड़े भी चेंज हो जाएंगे। मेरे को ये शर्ट का कलर चेंज करवाना है, मैं सब कलर चेंज करवा दूंगा। विशाल सर की क्लास नहीं देखी तुमने? तीन तीन विशाल सर खड़े होते हैं जब तुम विशाल सर की क्लास देखोगे तो। विशाल सर की आईडीडी क्लास, अपना सचिन तेंदुलकर है यार वो। चलो आगे बढ़ो जल्दी। सेसेशन ऑफ डिप्रेशन बोला क्लियर है कि नहीं? अर्लियर ऑफ, अरे बोलो यार, अर्लियर ऑफ क्लियर ना? अच्छा, ये डिप्रेशन हो गया। अब डिप्रेशन के बाद मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट, जल्दी बोलो यार क्या होगा? मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट, क्या होगा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। अरे बोलो यार, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। ये कॉस्ट मॉडल कैसे वर्कआउट करता है? ओरिजिनल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, ठीक है। और रिवेल्यूशन मॉडल कैसे वर्कआउट करता है? रिवेल्यूशन मॉडल कैसे वर्कआउट करता है? फेयर वैल्यू एट मेजरमेंट डेट लेस जल्दी बोलो सबसिक्वेंट डेप्रिसिएशन। हाँ, ट्यूबलाइट हो, ट्यूबलाइट तुम लोग, वो भी 2 साल पुरानी। जब बटन चलाते हो तो खड़े होके देखना पड़ता है कितनी देर में जलेगी। सब्सिक्वेंट इंपेयरमेंट, पिछली क्लास में एक लड़का था, बहुत ही मस्ती मजाक करता था। मैं उसको भी वही बोलता था, ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट, बहुत दिन से, बहुत टाइम से मैं उसको ट्यूबलाइट बोलता रहा था। एक दिन उसको गुस्सा आ गया मेरे ऊपर, मस्ती मजाक चलती रहती हमारी, गुस्सा आ गया। उसने, सर हमसे पूछते रहते हो, आपको आता तो खुद ही वो लिख दिया करो ना। आप भी तो ट्यूबलाइट हो। मैंने, भाई तो सही है तेरी ऐसी, तू बोले। मैंने बताया, गुड फेथ में बताया, ये मुझे याद आ गया। चलो ठीक है। अरे यार, मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ ना इसकी हेडिंग चेंज करके, रिवॉल्यूशन का ना बहुत लंबा किस्सा है, तो रिवॉल्यूशन का एक इधर हेड डाल देता हूँ अलग से, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्या बोल रहा हूँ? अपना वाला चार्ट, हाँ हाँ यार, वो वाली बात भी है। ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसको लास्ट बस वो रिवॉल्यूशन कर देता हूँ, बाकी का वो वाला चार्ट इसमें अटैच कर दूंगा। आता नहीं है, मैंने कभी किया नहीं, पर मैं कर दूंगा, डोंट वरी, मैं करता हूँ अभी, उसको करके देखते हैं अपन। अभी ये लास्ट पहले लिख दो ना, रिवॉल्यूशन अभी खत्म थोड़ी हुआ, मैं रिवॉल्यूशन यहाँ पर अलग से लिखना था मुझे, रिवैल्यूएशन। हाँ बताओ, रिवॉल्यूशन कैसे कैसे करेंगे जल्दी बोलो, रिवॉल्यूशन कैसे कैसे करेंगे? सर कैसे कैसे करेंगे मतलब? सर हाँ, अपवर्ड रहा तो सरप्लस, ठीक है। और सबसे पहले रिवॉल्यूशन करने की, पहली मैं आपसे चीज पूछना चाह रहा हूं, रिवॉल्यूशन करने की टेक्निक क्या है? हाउ टू रिवैल्यू, रिवॉल्यूशन करने की टेक्निक कैसे होगी? दो टेक्निक है, ग्रॉस
एंड नेट, कुछ याद आ रहा है क्या? ग्रॉस क्या नेट? ग्रॉस मतलब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की ओरिजिनल कॉस्ट को परसेंटेज ऑफ रिवैल्यूएशन से ऐड कर इंक्रीज कर देते हो। तो ग्रॉस टेक्निक में क्या होता है? इंक्रीज ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप बाय परसेंटेज ऑफ चेंज। मैंने इंक्रीज लिख लिया तो वह इंक्रीज डिक्रीज है, ठीक है ना। और नेट में क्या होगा बोलो? एक्यूमुलेटेड डेप्रिशन शेल फर्स्ट बी राइट ऑफ। आप इसको राइट ऑफ करते हो किससे? विथ ओरिजिनल कॉस्ट। तो पीपी अपनी कौन सी वैल्यू पे आ जाएगा? पीपी अपनी कैरिंग अमाउंट पे आ जाएगा। देन नेट कैरिंग अमाउंट शैल बी इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज। इसकी एंट्री याद है? इसकी इसकी जर्नल एंट्री याद है? पीपीई डेबिट अगर ग्रॉस मेथड में करूं तो टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये रिवैल्यूएशन का एक टेक्निक, टेक्निक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन में और क्या पढ़ा था हमने? ट्रांसफर करना पड़ेगा रिवॉल्यूशन सरप्लस को कहां? ट्यूबलाइट लोग जल्दी बोलो, ट्रांसफर करना पड़ेगा रिवॉल्यूशन सरप्लस को। ट्रांसफर रिवॉल्यूशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। कब? रिटेन्ड अर्निंग्स कब करना पड़ेगा? दो केसेस में बोलो, एडिशनल डेप्रिसिएशन के बराबर का वैल्यू, और दूसरा व्हेन फाइनली डिस्पोज्ड। जब आप फाइनली डिस्पोज करोगे तो रिवॉल्यूशन सरप्लस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। जल्दी बोलो, अरे क्लियर है कि नहीं? ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन लॉस। गेन कहां? रिवॉल्यूशन सरप्लस। बट एक्सेप्शन क्या है? अर्लियर डाउनवर्ड देन दिस गेन शैल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस। अरे बोलो, और लॉस हो रहा है तो कहां जाएगा? पी एंड एल। या फिर इफ रिवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है तो ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, जल्दी बोलो।
बढ़े आगे। बाद में बोलोगे लिखने का टाइम तो ही दूंगा। हाँ चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डी रिकग्निशन। डी रिकग्निशन डी रिकग्निशन में क्या होगा? डी रिकग्निशन एस पीपी, पीपी का डी रिकग्निशन क्या करेंगे तो कहां जाएगा? जो भी लॉस होगा या गेन होगा वो कहां जाएगा? पी एंड एल में। और अगर इफ हेल्ड फॉर सेल हुआ तो इंड एस 105। ऐसे केस में लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज। ठीक है बोलो भाई। अब इसमें लास्ट बच गया लास्ट क्या बच गया? चेंजेस इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी। चेंजेस इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी उसके लिए अपन ने कल चार्ट ऑलरेडी बनाया हुआ था। कहीं था ना अपने पास चार्ट? कहाँ था? चार्ट था सबसे लास्ट क्वेश्चन में था क्या? कॉन्सेप्ट तो ये रहा। वन सेकेंड, ये रहा, ये है ना? हाँ मेरे हिसाब से यही चार्ट है। चलो तो ये वाला चार्ट तो अपन ने ऑलरेडी बना दिया है, मैं इसको उसमें कट करके बाद में रख दूंगा। ठीक है तो ये चार्ट अपना ऑलरेडी बन चुका है चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग वाला। ठीक है सो फाइनली डन। इस बहाने आपका पूरा रिवीजन हो गया। हाँ मुझे लगता है ये आइडिया अपने को अप्लाई करना चाहिए। बस इसमें अपन ये करेंगे जस्ट टू सेव द टाइम, मैं चार्ट पहले से ही बना के आऊंगा और हर टॉपिक के एंड में जब जब टॉपिक एंड होगा तो मैं उस चार्ट को आपके सामने पहले से ही पेश करूंगा और वो अपन उसको एक बार पूरा का पूरा डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है ये चार्ट पूरा बन गया।
एनीवेज ठीक है, अब अपन